12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के अपने वीडियो क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी पर पांच ऐसे महत्वपूर्ण अंतर जो दोस्तों बार बार आते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, पूरा देखना है। अगर पसंद आएगा वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो मैं बात करने वाला दोस्तों नियम क्या लिखा है, पांच महत्वपूर्ण नियम है। पहला नंबर क्या है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। भाई एक बात तो गारंटी है, अंतर आता है, दो अंतर आपके पूछे जाएंगे, यही पांच अंतर हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई दो आएगा, मैं गारंटी वादा के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कोई ना क्वेश्चन आपको इसमें तो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके केमिस्ट्री में भी होगा, ठीक। तीसरा नंबर क्या लिखा है, जन्म जात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चौथा नंबर क्या लिखा है, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पांचवा क्या, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए, जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए पांचों के पांचों अंतर, जिस प्रकार से आपका गॉस के नियम, ओम के नियम, कोलराउस के नियम, रॉड के नियम, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, उसी प्रकार के अंतर की बात की जाए तो दोस्तों बायोलॉजी के अंतर्गत ये पांच इंपॉर्टेंट अंतर हैं। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इससे क्या होगा आपका प्रॉपरली आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, पहला नंबर भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए, जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है, एक तरफ आपको लिखना होगा भ्रूणकोश, एक तरफ लिखना होगा भ्रूणपोष, इसमें क्या लिखना दोस्तों, तीन तीन अंतर बताना है, ठीक। अगर आपको नहीं आता है तो दो दो ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा नंबर नहीं। पहला नंबर क्या लिखा है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्तित होता है, यह आवर्त बीजी पौधों का मादा युग्म होता है। दूसरा नंबर क्या लिखा दोस्तों, यह प्रायः केवल आठ केंद्रों तथा कुछ जीव ध्रुव से बनी सदैव अगुणित संरचना है। क्या लिखा है, यह प्रायः केवल आठ केंद्र को तथा कुछ जीव ध्रुव से बनी सदैव अगुणित संरचना है। तीसरा नंबर क्या लिखा दोस्तों, यह मादा जनन इकाई का आश्रय देने वाली संरचना है। अब बात करते हैं भ्रूणपोष में क्या लिखा दोस्तों, पहला नंबर क्या लिखा है, त्रिशलयन से बने प्रायः त्रिगुणी, त्रिगुणित मतलब होता है तीन गुना, केंद्रक से विकसित होता है, अनावृत बीजी पौधों में या युग्मित कोतविद एन ही होता है। दूसरा, आगणित केंद्रों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित, थ्री एन मतलब तीन गुना, त्रिगुणित मतलब तीन गुना होता है, किंतु अनावृत बीजियों में यह आगुणित उत्तक के रूप में होता है। तीसरा नंबर क्या लिखा है, इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, जैसा कि दोस्तों आप समझ गए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा अंतर। भाई ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते तो केमिस्ट्री के लिए भी है, बायो के लिए भी है, भाई आज की इस वीडियो में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो आपको एक तरफ इधर डीएनए लिखना है, तरफ आरएनए लिखना है, भाई आपको ज्यादा नहीं याद करना, केवल तीन या चार चीजें आपको याद करना है, केवल चार, ठीक, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है, पहला नंबर, दो पाली न्यूक्लियोटाइड कुंडली से बना होता है। क्या लिखा दोस्तों, फिर से देखते हैं, पहला नंबर क्या लिखा है, दो पाली न्यूक्लियोटाइड कुंडली से बना होता है, ठीक, इतना ही करना है। फिर आइए दूसरा नंबर क्या लिखा है, डी ऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तीसरा नंबर क्या है, थायमिन नाइट्रोजन से बेस होता है। चौथा नंबर क्या है, यह अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित करता है। भाई इतना ही करना, कुछ ज्यादा नहीं करना, भाई ज्यादा नहीं याद करना, चार चार याद कीजिए बस। अब बात करते हैं इसकी तरफ, आरएनए की तरफ दोस्तों, क्या लिखा है, एक पाली राइबोटाइड कुंडले का बना होता है, ठीक। नंबर दूसरा क्या है, राइबोस शर्करा होती है। तीसरा नंबर क्या है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिन नाइट्रोजन बेस होता है। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान होता है, कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। भाई बस आपको चाहे इधर ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं। तो अगर इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा अंतर, भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या लिखा है, जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, जैसा क्या लिखा दोस्तों, जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इतना मान चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो वालों के लिए, तो करना क्या है पूरा देखना दोस्तों, हमें आसान तरीके होता है, आपको ज्यादा नहीं याद करना, केवल आपको तीन तीन याद करना है, ठीक, क्योंकि आपको आसान है, समय कम है। क्या लिखा है, पहला नंबर क्या लिखा है दोस्तों,
ध्यान देना क्या लिखा है, यह आपकी अवशिष्ट प्रतिरक्षा है, बस आपको इतना ही तैयार करना। दूसरा नंबर क्या लिखा है, यह जन्म के समय में उपस्थित रहती है, भाई इंपॉर्टेंट है आपको करना क्या है, याद जरूर लेना। तीसरा नंबर क्या है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के परिवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोधक खड़ा करने से अर्जित होती है, भाई इंपॉर्टेंट है इसको आप जरूरत तय करना। अब हम बात करते हैं किसमें, इधर उपार्जित प्रतिरक्षा। तो पहला नंबर क्या लिखा है दोस्तों, यह रोग जनक प्रतिष्ठा है। दूसरा नंबर क्या है, इसका अभिलक्षण स्मृति है, इसका जो अभिलक्षण है स्मृति है। तीसरा नंबर क्या, हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोग जनक से होता है तो यह एक अनुक्रिया कराता है कि तो यह एक अनुक्रिया करता है बाद में उसी रोग जनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय अनुक्रिया होती है। भाई आपको ज्यादा याद करना है, जन्मजात प्रतिरक्षा में 3, उपार्जित प्रतिरक्षा में 3, इतना ही याद करना है, ये अंतर इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप समझ गए होंगे दोस्तों मेरा कहना क्या है, इंपॉर्टेंट है। भाई अब मैं बात करने वाला हूँ चौथा नंबर, क्या लिखा है, खाद्य संग्रह तथा खाद्य जाल में अंतर। भाई ये बात होता है इसका आना निश्चित है, भाई ये आपको इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्या है, खाद्य संग्रह के अंदर यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, एक पोषी स्तर पर एक ही जीव जाति होती है। दूसरा नंबर क्या है, ऊर्जा का दिशीय तथा एक ही मार्ग से होता है, अर्थात यहाँ कोई विकल्प नहीं होता है। तीसरा नंबर क्या, सामान्यता जीवों की संख्या यहाँ कम होती है। ठीक, अभिधर हो गया, अभिधर खाद्य जाल में आ जाइए। दूसरा नंबर क्या, यह अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, यह जटिल संरचना के रूप में होता है। दूसरा नंबर क्या लगेगा दोस्तों, ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है, यहाँ प्रत्येक पोषी स्तर पर अथवा कुछ पोषी स्तरों पर एक से अधिक विकल्प होते हैं। तीसरा नंबर केवल क्या है, जीवों की संरचना अपेक्षाकृत अधिक होती है। भाई ये बात होता है, अगर आपने इसको सबको आता है अच्छी बात है, लेकिन ये बात होता है इसका आना निश्चित है, इंपॉर्टेंट अंतर है। मैंने देखिए अंतर तो आपको कहीं मिल जाएंगे बायो में, लेकिन ये 5 ऐसे अंतर हैं जिसकी चांसेस पाए जाते हैं। जिस प्रकार से आपका राउंड के नियम कुलराउस का नियम इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रकार से नियम इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से अंतर इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए, अभी केमिस्ट्री जब भी बायो का पेपर होगा है ना, इसलिए करना क्या भाई, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और याद जरूर कर लेना इन टॉपिक को जरूर। आशा करता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवा नंबर। तो दोस्तों पांचवा नंबर क्या है, जैसा कि आखिरी है, लास्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। क्या लिखा है भाई आप देखते ना, क्या लिखा है, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर क्या है, इनका आना तय है। भाई दूसरा नंबर भी आएगा, आपको तैयार कर लेना है। एक तरफ लिखना है अंडाणु जनन तथा क्या लिखना है, शुक्राणु जनन। पहला नंबर क्या है, जनन उपकला से जनन कोशिकीय प्राप्त होती है, यह क्रिया अंडाशय में होती है ना। फिर लिखना धर्म क्या लिखा है, गुणन पर अवस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं और अंडाजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। भाई इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक, अगर आपको आता है तो रिवीजन भी कर लेना। तीसरा नंबर क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रवस्थाएं, क्या लिखा है, संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रवस्थाएं पाई जाती है, अंत में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, चौथा नंबर क्या है, एक ही मादा युग्मक बनता है, इसमें इसे अंडाणु कहते हैं। अब बात करते हैं तो शुक्राणु जनन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भाई 4 नियम है, ज्यादा नहीं है, 4 अगर आपको नहीं आता है तो 3 याद करिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है, इसके दूसरा आ गया तो अगर ये याद करके कहो यही लिख दो, मतलब खाली खापी नहीं छोड़ करके आना है ना। अब बात करते दोस्तों इसके अंदर क्या है, पहला नंबर जनन उपकला से ही जनन कोशिकाएं प्राप्त होती है, यह क्रिया वृषण में होती है, तैयार कर लेना। दूसरा नंबर क्या है, लिखा है गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं किंतु शुक्राणु जनन में कोशिकाएं बनती हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे मालिक रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं, अंत में शुक्राणु का निर्माण होता है। बात किया चौथा नंबर क्या, एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं, एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।